तो अब हम मौजूद हैं शाहरुख निआलम, और अगर आप तो देख सकते हैं तो सामने आपको जो है वो घंटाघर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने घंटाघर है। और यहाँ पे शाहरुख निआलम और बाहुबली सिकंदर के मज़ारात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो पता लगा है कि कोरोना के बायस दरबार अंदर से बंद हैं, इसलिए आपको मजबूरन बाहर से देखने पड़ेंगे। तो आइए आपको बाहर से जो है वो दरबार दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, दरबार तो बंद है, और ये है शाहरुख निआलम का दरबार। इनके दादाजी हैं बहाउद्दीन ज़करिया, और हुक्म ये है बहाउद्दीन ज़करिया साहब की तरफ से कि पहले मेरे पोते की कब्र पे आओ और बाद में मेरी कब्र पे आओ। तो अभी शाहरुख निआलम है और आगे हम चलते हैं बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार के ऊपर। जी तो दोस्तों, ये है किले का मशहूर लिमका, जिसे सोडा भी कहते हैं, और यहाँ पे गर्मी काफ़ी है, प्यास भी लग रही है, और हाइट चढ़ने के लिए सांस भी चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और बेटे मैं तो नहीं बनाता, वो बनाते हैं। टी वाला बनाएं, और कैसे बनाते हैं जरा दिखाएं भी बना के। जी तो दोस्तों, हमारा लिमका तैयार है, और आपने देखा कि बोतल कैसे टक के खुली है। ठंड पड़ गई। जी तो दोस्तों, ये आपके सामने है बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार, लेकिन बदकिस्मती से दरबार बंद है, मज़ारात को बंद किया गया है कोरोना की वजह से, इसलिए आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा, हम अंदर नहीं जा सकते, गेट बंद हैं, और इसके जो अंदर जो एंट्रेंस है उसमें भी जाने की परमिशन नहीं है। सामने बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है, और उसके साथ ही ये कासिम पार्क है, इसी सारा पार्क का एरिया है, और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मास्क के बगैर फिर रहे हैं, और ये ऐसा भी फॉर्मल हो रहा है। दरबारा को तो बंद किया गया है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं बताया गया उनको कि मास्क भी पहनने, तो जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ 90% बगैर मास्क के फिर रहे हैं। तो चलिए आप यहाँ से दरबार को देखें और चलते हैं वापस। जी तो दोस्तों, हम मौजूद हैं कासिम पार्क के अंदर, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक जहाज़ खड़ा हुआ है,
इसकी हिस्ट्री तो हमें नहीं मालूम कि ये जहाज़ किस जंग का है, लेकिन ये किसी जंग में इस्तेमाल हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उस जंग में, और उसको अब एक यादगार के तौर पर यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो ये वो जहाज़ भी अब दिखने मेरे पीछे। जी तो दोस्तों, यहाँ किले के जो है ना गोलगप्पे भी बड़े मशहूर हैं। तो वैसे तो हमने खाना भी खाया हुआ है और फिर मैंने भी वो कुछ देर पहले लिमका पिया है। तो ये जस्ट टेस्ट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने लिए हैं। तो आपको दिखाते हैं खा के कि ये कैसे हैं। आप भी जब आएँ मुल्तान किले पर तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। बाकी टेस्टी हैं, खा के देखें आप।